किन मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग आज से नहीं बल्कि पिछले दो दिनों से हमारे दो साथी एमएलएसएम कॉलेज के अध्यक्ष दिवाकर मिश्रा और मारवाड़ी कॉलेज के नारायण मिश्रा पिछले दो दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए। हमारी सात सूत्रीय मांग है जिसमें एमएलएसएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू हो, एमएलएसएम कॉलेज में छात्रावास की सुविधा मिले। वहीं मारवाड़ी कॉलेज में छात्रावास का निर्माण किया जा चुका है, बावजूद अभी तक छात्रों को उसमें शिफ्ट नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सभी छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिले। साथ ही कन्या उत्थान योजना की राशि जो वर्ष 2018-2019 की छात्राओं का बाकी है, हम लोग मांग करते हैं कि उनका जो पेमेंट रुका हुआ है 25,000 रुपया, उनको जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं एमएलएसएम कॉलेज में कबड्डी कोर्ट का निर्माण हो और कोविड-19 के समय में जितने भी छात्र जो एग्जाम से वंचित रह गए थे, किसी कारणवश एग्जाम नहीं दिए हुए थे, उन सभी का रिजल्ट क्लियर करवाने की मांग को लेकर हम लोग पिछले दो दिनों से यहां पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी बात मान नहीं ली जाती, साथ का साथ मांग पूरा नहीं कर लिया जाता, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारी एक और मांग थी जिसमें मिथिलाक्षर को, जिसमें हम लोग मांग कर रहे थे कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या एफिलेटेड कॉलेज हो, उन सभी कॉलेजों के मुख्य द्वार पर गेट पर मिथिलाक्षर से कॉलेज का नाम हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग पिछले दो दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर ली जाती, हम लोग आमरण अनशन पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय परवारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जिंदाबाद।